जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला, एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ महीनों से देश के मीडिया में दो वर्ग साफ तौर पर दिखाई दिए हैं, एक कांग्रेस का पक्षधर और दूसरा बीजेपी का पक्षधर। बीजेपी की पक्षधर मीडिया को गोदी मीडिया का भी नाम दिया गया है। जो लोग टीवी या इंटरनेट पर यूट्यूब के जरिए न्यूज़ या कार्यक्रम देखते हैं, उन्हें पता ही होगा कि इन दिनों बीजेपी या फिर कांग्रेस की ही बात मीडिया पर चल रही है। अभी तो आधिकारिक रिसर्च डाटा से पता चला है कि मीडिया ने ज्यादातर बीजेपी और कांग्रेस को ही दिखाया है। तो आइए देखते हैं इस पर यह विशेष रिपोर्ट। अगर वेब मीडिया पर छपी खबरों को पढ़े तो पता चलता है कि केवल 30 दिनों में ही बीजेपी और कांग्रेस को करीब 1000 घंटे लगातार टीवी पर दिखाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो को लगातार 3.5 घंटे दिखाया गया। फिल्म अभिनेता द्वारा लिए गए प्रधानमंत्री के इंटरव्यू को करीब सभी चैनलों पर एक साथ प्रसारित किया गया था। इन दो पक्षों के अलावा अन्य पार्टियां इस देश में हैं, उन्हें मीडिया ने नहीं के बराबर दिखाया। आपको मालूम हो कि कांग्रेस हो या भाजपा, सत्ता में रहने के बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हजारों करोड़ रुपयों का विज्ञापन देते हैं। अकेले बीजेपी की सरकार ने उसके 4.5 वर्षों में करीब 43,000 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए हैं। यह अकेले केंद्र सरकार का खर्च है, बीजेपी शासित राज्य सरकारों द्वारा खर्च किया हुआ रुपया इसमें शामिल नहीं है। अगर उन्हें जोड़ा जाए तो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी ने केवल सरकार के स्तर पर कितना खर्च किया होगा। आपको बता दें कि यह खर्च आम जनता द्वारा दिए गए करों से इकट्ठा धन से ही खर्च किया गया है। इसके अलावा आप जानते होंगे कि बीजेपी ही वह पार्टी है जिसे सर्वाधिक राजनीतिक चंदा प्राप्त हुआ है, चाहे वह बैंक के बॉन्ड द्वारा हो या अन्य किसी स्वरूप में हो। इतना ही नहीं तो उनके स्रोत भी अज्ञात है। जिन पार्टियों के पास हजारों करोड़ रुपए है, उन्हें किसने यह चंदा दिया होगा? जाहिर है कि पूंजीपतियों ने ही उन्हें चंदा दिया है, अर्थात इस देश का चुनाव पूंजीपति ही लड़वा रहे हैं। इन्हीं के रुपयों के आधार पर इन्होंने अपनी पार्टी स्तर पर टीवी, सोशल मीडिया पर कई करोड़ रुपए पार्टी विज्ञापन पर खर्च किए हैं। इससे आप जान सकते हैं कि क्यों मीडिया बीजेपी और कांग्रेस को ही दिखाती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क।